19वीं सदी के अंत में जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का कठोर नियंत्रण हुआ करता था, तब ब्रिटिश शासन ने न केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दबाया, बल्कि सार्वजनिक सभाओं और राजनीतिक एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध लगाए थे। इस निराशजनक स्थिति में भारतीय नेता चिंतित थे कि कैसे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रभावी आंदोलन चलाया जाए। ऐसे समय में एक दूरदर्शी और महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक योजना बनाई। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने महसूस किया कि गणेश चतुर्थी, जो पहले केवल एक दिन का पारंपरिक त्योहार हुआ करता था, को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने से भारतीय समाज में एकता और राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक पंडालों का आयोजन किया, गणेश जी की मूर्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया, स्थानीय लोगों को उत्सव में भागीदारी के लिए प्रेरित किया और इस पर्व को सामूहिक समारोह का रूप दिया। बाल गंगाधर तिलक के प्रयास की आज भी सराहना की जाती है। उन्होंने गणेश चतुर्थी को एक साधारण पर्व से एक राष्ट्रीय उत्सव बना दिया, जिससे भारतीय समाज के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी ये लोगों की श्रद्धा और उत्साह का केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो गणेश चतुर्थी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आशा है कि इस जानकारी से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।